हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ऑफिशियल प्रोग्राम मुस्कान में आपका स्वागत है गाइस। तो अभी आपको पता होगा कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है गाइस। इतना ज़्यादा एक दूसरे का कंप्लेन करना, कंट्रोवर्सी करना, समझ में नहीं आता है कि किस पे भरोसा करे और किस पे नहीं करे। जब मनीषा दी लाइव आई ना, तब पता चला कि वीडियो अपना डाली, तब पता चला कि क्या कोई इतना इतना भी ज्यादा गिर सकता है? क्या कोई कोई किसी पे कैसे विश्वास कर सकता है? ठीक है, एक क्रिएटर एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं। इमोशनली अटैच्ड मतलब क्या होता है कि आप किसी और के पति से प्यार करने लगो। पता है, जब मैं उनका एंगेजमेंट वाला वीडियो देखी थी ना, तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे, जबकि वो मेरी कोई नहीं है यार। मैं उनको नहीं जानती हूँ, कभी मिली भी नहीं हूँ, देखी भी नहीं हूँ नेहा आशीष तिवारी को। इतनी भोली लग रही है, इतनी ज्यादा सीधी लगती है वो देखने से, और वो किसी और के साथ इस तरह से कर रही है, किसी के पति के साथ। कोई किसी पे कैसे भरोसा कर सकता है? एक दूसरे का क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, हर कोई क्रिटिसाइज। मनीषा के साथ है, मनीषा के साथ है भाई। मनीषा पे क्या गुजर रहा है वो आप लोगों को पता है क्या? क्या आपका पति ऐसा करता तो आप क्या कर लेते? क्या करते ये बताइए। डेढ़ साल से वो इस चीज को झेल रही है, लेकिन कब भी नहीं बोली। उनका बॉडी, उनका शरीर आप देख रहे हो कितना गिर गया है, कितना बेचारी परेशान है। और अब क्या किए हैं, गलती कर लिए, जहर खा लिए और चल दिए घर छोड़ करके। आपको क्या लगता है कि घर छोड़ देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। वो लड़की इतनी चालू है, इतनी चालू है, एंगेजमेंट कर ली किसी और से। वाह, क्या बात है। और इधर कोई इंसान जहर खा करके हॉस्पिटलाइज है। अरे भाई, पत्नी का जगह कोई नहीं ले सकता है, कोई भी दूसरी औरत नहीं लेगी। ठीक है सचिन भैया, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जहाँ कहीं भी हो, ठीक है, आप घर वापस आ जाओ। घर आकर के सब बैठ करके बात को सॉल्व करो, और आपने जो गलती की है उसके लिए सॉरी एक छोटा सा वर्ड पड़ जाएगा। सॉरी तो माफ करने लायक है ही नहीं आपकी गलती। आपकी पत्नी है भाई, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका क्या नाम था, क्या वजूद था आपका? कुछ भी नहीं था। वो मनीषा दी है, जिसकी वजह से आप इतना व्यूज बटोरे हो, ठीक है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए हो। घर की लक्ष्मी है वो, और घर की लक्ष्मी के साथ ऐसे मत करो। वो आपकी पत्नी है, आप उसको शादी करके लेके आए हो। रोड पे चलती हुई औरत नहीं है वो, जिसको उठा के लेके आ गए हो। आपके घर की लक्ष्मी है, आपकी पत्नी है। आप इतनी सारी गलती किए हो ना, आके सॉल्व कर लोगे, वो आपको माफ कर देगी। ठीक है, किसी दूसरी लड़की के लिए अपने घर को मत बर्बाद करो। आप मेरी बात को समझो। मेरी क्या, पूरे सोशल मीडिया, पूरी दुनिया आपको कह रही है भाई घर आ जाओ, घर आ जाओ। घर छोड़ देना क्या सोल्यूशन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सामने आके बात करना होगा, समझाना होगा, बताना होगा, सारा चीज एक्सेप्ट करना होगा। मनीषा जैसी लड़की आपको मिली है, मैं होती ना उस जगह तो चार थाप लगा करके घर से निकालती। मैं अगर होती तो चार थाप लगा करके घर से निकालती और छोड़ देती ऐसे लड़के को ना, छोड़ देती, और उस लड़की को भी बता देती कि क्या चीज हूं मैं। मनीषा दी तो प्लीज कह करके उससे रिक्वेस्ट करी थी, बात करना बंद कर लो। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, जितने भी लोग उनको सब्सक्राइब किए हो ना, प्लीज उनको अनसब्सक्राइब करके रिपोर्ट मारो और ब्लॉक करो। उसका 2 दिन, 2 दिन में हैकरी नीचे आ